हेलो गाइस, कैसे हो। आज एक दो फ़ोन अनबॉक्सिंग करने नहीं जा रहा हूँ। आज टोटल 18 पीसेस मोबाइल में आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। और ये मैंने ख़रीदा हुआ है कैशिफाई सुपर सेल एप्लीकेशन से। और ये मोबाइल कैसा है डी कैटेगरी में ऑर्डर किया हुआ है मैं, और ये मोबाइल कैसा है आप लोगों को पता चलेगा वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहे। और कुछ भाइयों ने मेरे को कॉमेंट किया है कि इनबॉक्स भाई ठीक से दिखाओ, तो इनबॉक्स में स्क्रीन के ऊपर भी दे दूँगा और वीडियो के अंदर भी आप लोगों को दिखाऊँगा, आप ठीक से देख लेना। और ये फ़ोन जो अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, ये सब डी कैटेगरी का फ़ोन है। और डी कैटेगरी का फ़ोन कैसा है आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा। और सारे के सारे वीडियो में कैशिफाई सुपर सेल एप्लीकेशन के ऊपर ही बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं पूछा था कि कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। आप लोगों ने कैशिफाई के ऊपर ही वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। और आईफोन का वीडियो जल्द आ रहा है और आएगा। और ये दो बॉक्स मैं आज ही रिसीव हुआ है, तो अभी इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि डी कैटेगरी का फ़ोन जो 18 पीस मैंने ऑर्डर किया है ये पूरा लोट है। और ये फ़ोन में कौन सा ख़राबी आते हैं डी कैटेगरी के फ़ोन में, और इसके डेंट वगैरह, स्क्रैच वगैरह, और उसका बैक पैनल और फ्रंट ग्लास जो टूटा हुआ आता है, तो आप लोगों को दिखाऊँगा। चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखा दूँगा कि आप लोग देख लेना एक बार। और इसमें वीडियो के अंदर स्क्रीन के ऊपर आप लोग को इनबॉक्स दिखेगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, किसी भी पार्ट में आप लोग को दिखाई देगा। तो इनबॉक्स आप स्क्रीनशॉट लेके आप ठीक से देख लेना, इसमें मॉडल कौन सा है और इसमें प्राइस कौन सा पड़ा है, कौन सा मॉडल कौन सा कितना प्राइस पड़ा है, आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा। तो कुछ पैकेजिंग ऐसा आता है, आप लोग आगे का वीडियो आप लोग देख चुके हो, तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ पैकेज इस टाइप का आता है, और इसमें बबल्स दिया गया है, और ऊपर जो है वो इनवॉइस है, और इसमें मोबाइल रखा हुआ है। आप लोग इनवॉइस ठीक से देख लेना, और इसमें ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं ऊपर भी दे दूँगा, आप देख लेना। और ये मोबाइल है, ठीक है। इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद आप लोगों को खुल के मैं दिखा दूँगा कि इसका कंडीशन कैसा है और कितने मोबाइल इसमें मतलब ख़राब आते हैं और ख़राब आया है। और इसमें आप लोगों को मोबाइल ऑन भी करके दिखाऊंगा कि ऑन होता है कि नहीं होता है, मतलब ये डी कैटेगरी का फ़ोन है। तो ये भी बॉक्स में अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, अनबॉक्सिंग करने के बाद एक के साथ मैं सब ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ऑन करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसको फटाफट इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो इसमें आप लोग इनबॉक्स देखेगा पहली बार, इसको इनबॉक्स को आप ठीक से देख लेना। तो इनबॉक्स को देख लेना ठीक से, और इसको मैं साइड में रखता हूँ। साइड में रखते हुए आपको मोबाइल निकाल लेता हूँ जो मोबाइल है, और बबल्स दिया गया है, तो इसको साइड में रखते हुए मोबाइल देख रही हो। यहाँ पर सारा मोबाइल इकट्ठा किया मैंने, तो अभी एक एक करके मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाऊँगा, चलो कैसा है। ये इसका बैक पैनल सही है, और इसका ऊपर का ग्लास थोड़ा सा ऊपर टूटा हुआ है, ये चल जाएगा। और इसको देखते हैं अभी, ये फ्रेश है, इसके इसमें कोई ख़राबी नहीं है। कारण डी कैटेगरी के फ़ोन है, डी कैटेगरी के फ़ोन में ऐसा मोबाइल आएगा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छा आ रहा है। और इसमें स्क्रैच वगैरह एक भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, ये पूरा साफ है। तो इसको भी ऑन करके देखते हैं अभी ऑन होता है कि नहीं होता है। चलो ये भी ऑन हो गया, तो अभी दूसरे को देखते हैं। इसका भी फ्रंट ग्लास टूटा नहीं है, और बैक पैनल भी टूटा नहीं है, सही है। तो अभी और दूसरे देखते हैं। हाँ ये भी सही है, इसका भी हाँ टूटा फूटा कोई सीन नहीं है। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो इजीली, जो सुपर सेल एप्लीकेशन है उसमें आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके रजिस्टर करो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आप लोगों को, एक बार करके देखो। तो इसको देखते हैं अभी, हाँ ये भी सही है, इसका स्क्रीन सब कुछ सही है, इसका स्क्रीन वगैरह टूटा नहीं है। तो अभी और देखते हैं, बस वीडियो पूरा देखना, आप लोगों को सब पता चलेगा। जो जो नया है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ ये थोड़ा सा ऊपर का साइड में थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये चेंज करना पर नहीं नहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे चल जाएगा टेम्पर लगाने से। तो ये भी ऑन हो गया, तो अभी इसको देखते हैं।
हाँ ये भी सही है, बैक पैनल सही है और फ्रंट ग्लास भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी इसको देखते हैं ये कैसा कंडीशन में है। इसका बैक पैनल सही है और फ्रंट ग्लास भी सही है, ये टूटा फूटा कोई सीन नहीं है। लोट में इस बार ही सबसे फ्रेश माल आया है, तो इसमें एक भी एक टूटा निकला वो भी थोड़ा सा, और अभी तक कोई टूटा फूटा सीन नहीं निकला। तो इस मोबाइल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है गाइस, सिर्फ इसका फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास थोड़ा बहुत टूटा आता है, तो ये भी सही है। तो इसका हाँ ये टूटा हुआ है ऊपर का साइड में, ये चेंज करना पड़ेगा, तो इसका चार्ज नहीं है। तो अभी और नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी इसको देखते हैं ये कैसा कंडीशन में है। तो चलो इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि आप लोगों को ये कंडीशन कैसा है इसका। सही दिख रहा है, हाँ इसका बैक पैनल सही है और फ्रंट ग्लास भी सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो अभी और नेक्स्ट देखते हैं, तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं अभी। हाँ ये भी बैक पैनल सही है, फ्रंट ग्लास भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रखते हुए अभी और नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी बॉक्स बॉक्स के साथ आया है पोको M2, तो इसको हम देखते हैं। हाँ बैक पैनल सही है, ऊपर का ग्लास भी सही है। हाँ ये भी ऑन ऑन तो हो गया, लेकिन अभी और नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसको देखते हैं अभी, 7 Pro है, तो फ्रंट ग्लास सही है, ये ऑन हुआ है पहले से, और बैक पैनल टूटा हुआ है। तो अभी और देखते हैं ये 3S, अच्छा इसका बैक पैनल सही है और फ्रंट ग्लास भी सही है। इसको ऑन करके देखते हैं अभी ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये भी अच्छा, इसका डिस्प्ले ख़राब है, तो इसको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा।